जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप लोगों का व्यंजन वाटिका रसोई में। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी प्रसाद की थाली। जन्माष्टमी में प्रसाद तो कई तरीके से बनाया जाता है, परंतु इस लॉकडाउन में आप सिंपल आसान तरीके से प्रसाद बनाइए जो आपके पास अवेलेबल हो। इसलिए सबसे आसान मैंने बताया है दूध और नारियल की बर्फी। इसके लिए चाहिए दूध पाउडर 1 कप, दूध 1 लीटर, कोकोनट पाउडर 1 कप। अब सबसे पहले दूध को बॉईल कर लेंगे, 1 कप दूध बचा लेंगे, बाकी का सारा दूध बॉईल कर लेंगे। दूध को धीरे धीरे चलाते हुए अच्छे से बॉईल कर लेना है, जिससे नीचे न लगे। कढ़ाई में लगना नहीं चाहिए, आपको चलाते रहना है। दूध गाढ़े होने तक अच्छे से पका लीजिए। ये देखिए दूध गाढ़ा होने लगा है। अब हम दूध पाउडर को जो हमने 1 कप दूध बचाया था उसमें मिक्स कर देंगे और अच्छे से दोनों को मिक्स कर लेंगे, जिससे भी एक भी लम्स ना रह जाए। यदि आप डायरेक्ट कढ़ाई में डालते या पैन में डालते तो आपका जो दूध पाउडर है उसमें काफ़ी सारे लम्स आ जाते हैं, फिर पकाने में दिक्कत होती है, नीचे लग जाता है। इसलिए आप अलग से दूध पाउडर को दूध में फेंट कर फिर डालिए। अब इसको चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाइए। यदि आपके पास दूध पाउडर नहीं तो आप वैसे ही दूध को भी पका सकते हैं। ये देखिए दूध आधे से भी कम बचा है। अब इसमें शक्कर डाल देंगे और शक्कर डालकर थोड़ी देर पकाएंगे। अब फिर ये थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर और पकाएंगे। अब देखिए ये गाढ़ा हो चुका है। अब इसमें डाल देंगे नारियल का पाउडर या कसा हुआ नारियल। अब इसको डालकर अच्छे से पकाना है। आप चाहें तो पहले भी भून सकते हैं नारियल को। अब इसको अच्छे से पका लीजिए। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है हमारा पेस्ट। बस थोड़ी देर और पकाना है, उसके बाद ये पेस्ट एकदम ठीक हो जाएगा और जमने के लिए रेडी हो जाएगा। नारियल पाउडर को सारा एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिए और अच्छे से मिक्स करते जाइए, इससे बर्फी अच्छी बनेगी। ये देखिए अभी पूरी तरह से गाढ़ा हो गया है। अब इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे एक जिसमें जमाना है उसमें ग्रीस करके एक प्लेट में घी लगा लेंगे नीचे, और उसके ऊपर इस पूरे पेस्ट को फैला देंगे। डालकर पूरे पेस्ट को प्लेट में डालेंगे और उसके बाद अच्छे से फैला देंगे और उसके ऊपर नारियल पाउडर डाल देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी कोकोनट बर्फी तैयार हो गई है। अब इसको 4-5 घंटे रख दीजिए, उसके बाद इसको कट कर लीजिए पीसेस में। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी बन जाती है। मीठे में आप कुछ भी बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है वो बनाइए। ये देखिए कितनी बढ़िया दूध और नारियल पाउडर की बर्फी हमने तैयार कर ली। अब हम बनाएंगे धनिए का प्रसाद। ये सबसे मेन प्रसाद होता है। इसके लिए चाहिए धनिया पाउडर 1 कप, शक्कर 1/2 कप और घी 2 बड़े चम्मच, कसा हुआ नारियल, मखाना और इलायची 4-5, मखाना आवश्यकता अनुसार। अब सबसे पहले हम शक्कर में इलायची को डालकर बारीक पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे। अब एक पैन में घी गरम करेंगे, 2 बड़े चम्मच हमने घी लिया है। अब इसमें 1 कप धनिया पाउडर डाल दिया। मखाना हमने पहले ही भून कर कट कर लिए हैं, आप चाहें तो पहले मखाना इसमें भून सकते हैं घी में।
हम धनिए को अच्छे से भून लेंगे। ये रोस्टेड धनिया पाउडर है। इसको अच्छे से 2-3 मिनट तक भून लेना है। यदि आप ज़्यादा पाउडर ले रहे हैं तो ज़्यादा देर तक भूनिए। ये देखिए भून चुका है हमारा, इसमें बढ़िया खुशबू आने लगी। अब इसे निकाल देंगे एक बाउल में। अब इसमें शक्कर मिला देंगे, पिसी हुई शक्कर और इलायची का जो हमने पाउडर बनाया था वो मिक्स कर देंगे। और जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसमें ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, उन्हें मखाने और नारियल कसा हुआ जो लिया था वो डाल दिया, और बाकी के जो भी ड्राई फ्रूट्स आप लिए हैं वो डाल दीजिए। ये हमारा धनिए का प्रसाद रेडी हो गया है। अब ये हमने दही लिया है, पंचामृत बनाएंगे। फ्रेश दही लिया है और इसमें पिसी हुई शक्कर डाल दी है और थोड़ा सा ठंडा दूध डाला है। अब इसके ऊपर चिरौंजी दाना आता है और बाकी के कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और नारियल पाउडर और थोड़े से मखाने। सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखा आपने हमारा प्रसाद कितनी आसानी से तैयार हो गया। ये हमने 5 प्रकार के फ्रूट्स लिए हैं, ये धनिया का प्रसाद जो कि जन्माष्टमी पर स्पेशली बनाया जाता है, ये लिया हमने मिश्री या बड़ी शक्कर, और ये पंचामृत दही का, और ये स्पेशली कृष्ण भगवान के लिए माखन। इसे आप दही से या मलाई से बना सकते हैं। और प्रसाद में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुलसी पत्र डालना ना भूलें, जो कि कृष्ण भगवान को अधिक प्रिय है, इसलिए तुलसी पत्र का ज़रूर यूज़ करें। तो हमारा प्रसाद ये आसानी से तैयार हो गया। आप भी भगवान कृष्ण का प्रसाद बनाइए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।